मैं इस समय आ चुका हूँ अगोड़ा फोर्ट। ये सिंक्वेरियम बीच पे बना हुआ है और नॉर्थ गोवा में ही पड़ता है। तो इसकी एंट्री फीस है 25 रुपीज़। और पीछे आप देख सकते हो लाइट हाउस है। मैं चुका हूँ इस समय अगोड़ा फोर्ट पे। अगोड़ा फोर्ट सिंक्वेरियम बीच पे बना हुआ है और ये पुर्तगाल के समय से बना हुआ है। यहाँ की जो एंट्री फीस है वो 25 रुपीज़ की है और एवरी वीक के हर दिन ओपन रहता है। आप किसी भी दिन यहाँ पर रहते हो 6 बजे से 9 बजे तक ये ओपन रहता है। और इस फोर्ट पे घूम के मुझे बहुत ही मज़ा आया है। और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हाइट है यहाँ पर, जो बीच है नीचे उसकी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हाइट है। और इसी के जस्ट साइड में एक लाइट हाउस और बनाया गया है जो अभी का बना हुआ है। लेकिन ये जो आप देख रहे हो ये फोर्ट पुर्तगाल के टाइम का है। और इसके जस्ट साइड में एक फोर्ट और बनाया हुआ है जो अभी बनाया गया है, दूसरा लाइट हाउस। लगभग 1600-1717 सेंचुरी के समथिंग ये बना हुआ है। तो गोवा अगर आ रहे हैं तो सिंक्वेरियम बीच पर एक बार विजिट करें और इस व्यू का आनंद लें। तो इसी के अंदर एक नीचे बेसमेंट में जेल भी बनाई गई है कि उस टाइम पे लोगों को बंद किया जाता था। आप देख सकते हो ये बेसमेंट के अंदर जो नीचे रेड कलर के ये मटेरियल लगा हुआ है, इसके नीचे पूरे बेसमेंट में जेल बनाई गई है। और साइडों में इसके गेट बनाए गए हैं, छोटे छोटे गेट हैं कि वहाँ से एंट्री की जाती थी। तो ये गेट तो अभी बंद किए गए हैं, तो जस्ट टूरिस्ट के लिए केवल ऊपर का पार्ट ही इसमें ओपन किया गया है। जो कॉर्नर्स पे व्यू पॉइंट हैं आप वहाँ खड़े हो सकते हो, फ़ोटोज़ ले सकते हो, वीडियो बना सकते हो। और आप देख सकते हो पीछे भी मैंने एक वो पॉइंट है जहाँ पे आप अपनी फ़ोटोज़ और वीडियो बना सकते हो। एक पॉइंट वहाँ पर भी है, वहाँ भी लोग खड़े हुए हैं फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले रहे हैं। और एक पॉइंट यहाँ भी है, यहाँ भी फ़ोटोज़ और वीडियो बना सकते हो। ये बाहर से एंट्री पॉइंट है जहाँ से आप एंट्री करते हो पार्किंग गाड़ी की, उस साइड ही है। हाउस के अंदर टूरिस्ट की एंट्री परमिट नहीं है कि वो अंदर जा सकें। देख सकते हो इस पर लिखा है एंट्री प्रोहिबिटेड है। तो आप केवल बाहर से ही जो व्यूज़ हैं बीचेस के और माउंटेन हैं उनके व्यू ले सकते हैं, बाकी लाइट हाउस के अंदर टूरिस्ट को एंट्री अलाउड नहीं है। इस फोर्ट के अंदर आप कई व्यू पॉइंट हैं कि जहाँ पे आप आके अपने फ़ोटोज़ ले सकते हो और एक अमेजिंग व्यू आपको मिलेगा। लगभग 3 से 4 पॉइंट ऐसे हैं कि आप जहाँ पे आ सकते हैं और वीडियोग्राफी कर सकते हैं, फ़ोटोज़ ले सकते हैं। Thank you.
समय मैं हूँ शाहपुरा फोर्ट पे। अगर आप नॉर्थ गोवा में हैं तो ये नीचे आप देख सकते हैं वेगेटर बीच है। वेगेटर बीच से जस्ट 600 or 700 meters के डिस्टेंस पे ही आपको मिलेगा ये शाहपुरा फोर्ट। शाहपुरा फोर्ट को दिल चाहता है भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही दिल चाहता है मूवी जो आमिर खान की है वो शूट की गई थी, और इस इन्हीं वॉल्स पे बैठ करके वो जो सॉन्ग है दिल चाहता है और यहीं पे शूट किया। तो पीछे भी आप देख सकते हैं काफ़ी वॉल्स हैं, और इस फोर्ट के चारों तरफ भी वॉल्स बनी हुई हैं, और ये काफ़ी हाइट पर है फोर्ट, और पीछे से इसमें आप देखोगे तो क्या अमेजिंग व्यू आता है। शाहपुरा फोर्ट की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, इसको शाहजहाँ ने बनवाया, उसके बाद में शिवाजी राव और देन पुर्तगाली इस फोर्ट पर आए। अब तो यहाँ पे इस तरीके का कोई भी ऐसी बिल्डिंग्स या कुछ वॉल्स ही केवल बची हैं, और पीछे आप देखोगे सारा इस तरीके से फील्ड ही आपको नज़र आएगा। और अगर आपको यहाँ पे आकर के कुछ बेनिफिट है तो वो है एक अमेजिंग व्यू, जो आप एक अलग ही सरप्राइज़ आपको मिलेगा। मुझे शाहपुरा पे आके बहुत ही एक सरप्राइज़ और एक अच्छी फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है इस व्यू को देख करके। इसके दो कॉर्नर्स हैं, आप यहाँ से भी व्यू ले सकते हो, और एक सामने जहाँ पर लोग आप देख रहे हैं काफ़ी शूट कर रहे हैं वीडियो और मूवीज़, तो उस कॉर्नर से भी व्यू ले सकते हो। और एक इसका उस कॉर्नर पे राइट हैंड पे देख सकते हो, तो वहाँ पे भी एक पॉइंट है जहाँ से आप इस फोर्ट से ओशन का व्यू ले सकते हैं। इसी के जस्ट नीचे वेगेटर बीच है, और आप वहाँ पे भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी चल रही है, पैरासेलिंग और जेट स्काई ये सब अवेलेबल है, वहाँ पे भी कर सकते हो। और इसी के जस्ट नीचे छोटे छोटे होटल्स और रिजॉर्ट भी बनाए गए हैं, तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। और नीचे पार्किंग भी है, ईजिली एक्सेस भी कर सकते हो, और एक दो दुकानें भी यहाँ पर ऊपर फोर्ट्स में हैं खाने पीने की, और नीचे मार्केट में भी आपको सारा सामान मिल जाएगा। सेम यही लुक और यही व्यू मुझे अगोड़ा फोर्ट पे मिला, जब मैं अगोड़ा फोर्ट पर गया तो वहाँ भी यही लुक था और इतनी ही हाइट थी।